हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ बैंगन का भाजा बनाने, जिसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं 2 बैंगन को मैंने धुल करके इसको साफ़ करके रख लिया है। इसे मैं कट करूँगी, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच के लगभग मैंने सब्जी मसाला लिया, हल्दी पाउडर लिया है जो आप देख सकते हैं। अब मैं इसे कट करूँगी, कट करके इसको सब कुछ कट करूँगी। देख सकते हैं इधर मैंने पैन भी गर्म होने के लिए रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बैंगन को कट करके अच्छे से 2 से 1 मिनट के लिए मैंने पानी में इसे छोड़ दिए हैं, क्योंकि बैंगन में हल्का हल्का कालापन जैसा होता है, आयरन होती है, वो निकल जाए। अब मैं इसमें सब्जी मसाले सब तरफ से ऐड कर दूँगी। देख सकते हैं नमक ऐड कर दें, हल्दी पाउडर भी ऐड कर दें और मिर्ची भी, आप चुटकी भर मिर्ची आप ऐड करें। आप देख सकते हैं मैंने मिर्ची भी ऐड कर लिए हैं, इसमें अधिक मिर्ची ना डालें, अगर तीखा पसंद हो तो डाल भी सकते हैं। मैंने मिर्ची का डस्ट अब इसको तरफा से कोट कर दिया, सबको मिला करके अच्छे से कोट करें, क्योंकि अच्छे से कोट होगा तभी ये टेस्टी है, बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है। जो आप इसे आप चटपट कुछ खाने का मन करें, ज़्यादा इंग्रेडिएंट कुछ ही, घर के कुछ ही इंग्रेडिएंट, इससे बाहर में आपको कुछ लेना भी नहीं पड़ेगा और चटपट बन भी जाएगा चटपट जल्दी से, और आप इसे ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे को कोट कर लिए हैं दोनों तरफ से। अब इसी तरह कर लो, नमक भी अच्छे से मिला करके करें, देखिए इस तरह से देख सकते हैं सारे में नमक मिल चुके हैं, मसाले मिल चुके हैं। अब मैं इधर गैस मैंने ऑन कर लिए हैं, आप देख सकते हैं 1 चम्मच के लगभग आप सरसों ऑयल डालें, 1 से 2 चम्मच के बहुत ही कम तेल में ये बन भी जाता है। अब देख सकते हैं इधर ये देख सकते तेल गर्म हो चुके हैं, क्योंकि ग्राई टाइम में निकालने के लिए गर्म कर लिया था, इसलिए देख सकते हैं। आप भी इसी तरह से डालते जाए, एक एक करके देखते हैं इसी तरह मैंने सारे को डाल लिया है। ये सब चल रहा है कैसे, तो दो के जगह 4 ही बैगन यूज करके अपने हमें कैसा योजना कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे बैगन को डाल लिए हैं, उसका पेड़ को मछली और तेल करके डाल दें, हम इसे छोटा सा मछली में देंगे, उसके मैंने हम इसे हम थोड़ी देख सकते हैं धीरे धीरे देंगे तो प्रोसेस करें, नहीं तो जलने का डर है। आप देख सकते हैं तो एक तरफ से ये मैंने प्लट लिए हैं, आप भी इसी तरह से प्लट लें और इसे सेक लें, इसी तरह से निकाल कर सेक लिया, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब इसी तरफ इसी तरफ से दोनों तरफ से पहले आप देख सकते हैं ये सेक चुके हैं, इसे सेक में ट्रांसफर करके आप लोग को बताती हूँ। कुछ मानी में आप देखते हैं बनाएंगे, ये बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में ये बन भी जाता है। तो चलिए मैं आपको सर्व करते हुए दिखा रही हूँ। लीजिए, सर्व करने के लिए तैयार है, तो आप लोग भी इसे बनाइए, बहुत ही इजी तरीका है इसे बनाने का, बहुत कम टाइम में ये बन भी जाता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।